Hi everyone, welcome back to my yet another video and this time we have another kurti haul. तो इस बार मैंने shopping की है from Amazon और ये सारी kurtis, kurti plazo के set Amazon से आपको मिल जाएंगे. सभी kurtis and products के link आपको description box में मिलेंगे. But before jumping onto the video, अगर आप मेरी video पहली बार देख रहे हैं तो make sure आप subscribe कर ले and subscribe button यहीं पर नीचे दिया हुआ है ताकि आप ऐसी और video भी enjoy कर सके. And without much further ado, let's get quickly started. So Amazon is a great place to buy anything and very trusted website. मैं काफी सालों से Amazon से ही shopping करती हूँ. उनकी quickest delivery है, within a week आपको सारी items आपके पास मिल जाती है. So this is the very first kurti जो मेरे इस haul में मैंने ली है. This is the black and white cotton kurti जो कि है from the brand Yash Gallery. और यश गैलरी की जो कुर्तीज और प्लाजो के सेट हैं और काफ़ी रेंज है इनके पास कुर्ती की, मैंने देखी उनके काफ़ी अच्छी कुर्तीज़ हैं. सो यू हैव टू चेक दिस आउट. दिस इज़ द फर्स्ट कॉटन अंगरखा स्टाइल ब्लैक एंड वाइट कुर्ती, बहुत ही प्यारी है एंड अंगरखा स्टाइल में है. उसके साथ में आपको ये डोरिया मिल जाती हैं टू टाई एंड इसका जो फ्रंट नेक बना हुआ है बहुत ही प्यारा है. यू कैन सी इसका अंगरखा स्टाइल बना हुआ है एंड जो कॉटन का मटेरियल है इट लुक्स लाइक इट्स अ सी थ्रू बट इट्स नॉट दैट सी थ्रू. काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, पहनने के बाद इट्स नॉट वेरी सी थ्रू एट ऑल. इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 हैं एंड उसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है ब्लैक स्ट्राइप्स का और काफ़ी अच्छा लाइक गोल्डन एंड ब्लैक का इसका कॉम्बिनेशन है. पूरी कुर्ती इस ब्लैक मटीरियल की बनी हुई है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ प्रिंट हुआ हुआ है सिमिलर डिज़ाइन का एंड जो घेरा है उस पर बहुत ही अच्छा व्हाइट कलर का जो कपड़ा है उसका डिज़ाइन बना हुआ है काफ़ी स्ट्राइप्स वाला जो आजकल बहुत ही इन है. काफ़ी लंबी लेंथ की कुर्ती है एंड स्पेशली जिनको अनारकली और अंगरखा स्टाइल ऐसी कुर्तीज पसंद होती हैं लाइक मी तो आप ये कुर्ती ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी है. मैंने इसको पेयरअप किया है विद वाइट प्लाजो जो कि नीचे से थोड़ा चिकन स्टाइल के हैं, उसके साथ ये बहुत ही ऑसम लुक दे रही थी. सो सेकेंड कुर्ती इन माई हॉल इज दिस मरून कलर, बहुत ही रिच, बहुत ही अच्छा कलर मुझे इसका लगा. ये कुर्ती वैसे प्रिंटेड है पूरी कुर्ती, इस पर कुछ गोल्ड का एंड वाइट एंड फ्लावर्स का प्रिंट है बट इसका जो कलर है इसको इतनी रिचनेस और रॉयल लुक देता है कि ये किसी भी फंक्शन के लिए भी बहुत ही परफेक्ट रहेगी. तो मैंने इसको लाइक इसके ज़्यादा रिव्यूज अवेलेबल नहीं थे, इसका सिर्फ एक ग्रीन कलर एक और वेरियंट है अमेजोन पर उसका रिव्यू अवेलेबल था तो मैंने उसी के बेसिस पर इसको मंगवा लिया. बट ट्रस्ट मी इसका कलर बहुत ही अमेजिंग है, यू कैन सी द कलर एंड द फिनिश. इस कुर्ती का नेक बहुत ही रॉयल और बहुत ही प्यारा बना हुआ है, पूरा ऊपर तक बंद हो जाता है. इसके ऊपर आपको हुक्स दिए हुए हैं टू टाई और नेक, तो अगर आपको ऐसे हुक्स दिए हुए हैं दो चार तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको टाई कर सकते हो, हुक को बांध सकते हो. अगर आपको ऐसे बंद गले बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ऊपर तक हुक बंद कर सकते हो. एंड इसकी भी 3/4 स्लीव है और स्लीव्स पर भी पूरी कुर्ती जैसा नॉर्मल ही प्रिंट है बट इसके एंड पे लेस टाइप का कुछ कपड़ा लगा हुआ है छोटा सा जो कि इसको बहुत ही अच्छी डेफिनेशन देता है. ऑल्सो ये भी एक अनारकली कुर्ती है बट बहुत ही सुंदर, इसका कलर तो बहुत ही मुझे पसंद आया. चोली के ऊपर बड़े बड़े फ्लावर्स का जो प्रिंट है और जो नीचे अनारकली बनी हुई है फ्रॉक बनी हुई है उसके ऊपर छोटे से लेके बड़े तक फ्लावर्स का प्रिंट है जो कि बहुत ही अच्छी इसको लुक देता है. आप इसको पेयरअप कर सकते हो विद एनी गोल्ड प्लाजो और गोल्ड लेगिंग्स और जैसे मैंने व्हाइट के साथ पेयरअप कर लिया तो यू कैन पेयरअप विद एनीथिंग इवन जीन्स. बट ये स्कर्ट्स के साथ भी जाएगी, अगर आपके पास कोई गोल्डन कलर स्कर्ट है तो एक पार्टी वेयर आउटफिट भी बन सकती है. सो द नेक्स्ट आउटफिट इज कुर्ती प्लाजो का सेट विद दुपट्टा एंड दिस इज द आउटफिट. ये मुझे थोड़ा ओके क्वालिटी का लगा, इसकी कॉटन बहुत रिच कॉटन नहीं थी, ठीक ठाक सा जैसे कॉटन ब्लेंड काइंड ऑफ एक मटेरियल होता है वैसा. बट इसका प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन सा 500 रुपीज के आसपास है तो अगर आप इसको उस रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो इट्स प्रेटी गुड. एंड इसकी भी स्लीव्स 3/4 हैं और जो शर्ट है वो प्लेन नॉर्मल एक कुर्ती लाइक एक नॉर्मल शर्ट है जिसका नेक स्पेशली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगा क्योंकि इसकी जो नेक का बनावट है वो काफ़ी छोटी है तो अगर आपका कोई ब्रॉड हेड होगा तो आपको ये बहुत मुश्किल से पहनना पड़ेगा जो कि मैंने भी पहना है. एंड दिस इज द प्लाजो इसके साथ, इसके ऊपर भी गोल्ड प्रिंट बना हुआ है, इसके ऊपर डॉट्स के अलावा फ्लावर्स भी बने हुए हैं और काफ़ी लूजर प्लाजो है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का विद नाइस इलास्टिक एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है. ऑन द अदर हैंड जो अदर लाइक मैं नॉर्मल एक लार्ज साइज मंगवाती हूँ उसके अकॉर्डिंग ये मुझे एकदम फिट था. तो अगर आप कोई अपना साइज थोड़ा लूज मंगवाते हो तो मेक श्योर आप इसका एक साइज बड़ा ऑर्डर करें क्योंकि ये एकदम फिटेड आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट. इसके साथ वी हैव दुपट्टा जो पिंक बोल्ड हॉट पिंक कलर का दुपट्टा है जो एक तरफ से बिल्कुल प्लेन है
एंड दूसरी तरफ से इस पे प्रिंट किया हुआ है सेम गोल्डन प्रिंट का. तो दिस इज द दुपट्टा जो कि बीच में ऐसा कुछ गैप है. तो आई डोंट नो कि ये डिजाइन है या ये कुछ प्रॉब्लम है. तो दिस इज द दुपट्टा. आई थिंक ये पूरा दुपट्टा ऐसा होना चाहिए था. आई डोंट नो कि ये क्या इन्होंने मिसमैच कर दिया है बीच में, बट या सो दिस इज द दुपट्टा. काफी अच्छे ओके मटेरियल का है. साइड्स में जो है थोड़ी सी पाइपिंग या फिर जो है किनारी सिलाई के अंदर नहीं ली हुई है, बट दैट्स फाइन. आप इसको अपनी तरीके से इसको सजा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट डू एन एक्सपेरिमेंट. सो द नेक्स्ट आइटम इन माई हॉल इज दिस ब्लू एंड व्हाइट कलर कुर्ती जो कि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है. इट्स काइंड ऑफ कॉटन, बट ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉटन है. एंड इसकी भी स्लीव्स आपको 3/4 मिल जाएंगे, जिसके स्लीव्स पे एंड में आपको इस तरीके का डिजाइन मिलता है. पूरी कुर्ती पर ऐसा व्हाइट एंड ग्रेज कलर का प्रिंट है और बहुत ही सोबर, वेरी स्वीट एंड बहुत ही अच्छी सूदिंग सी कुर्ती है. स्पेशली लाइक इट्स लाइक ऑफिस वेयर. अगर आप रेगुलर ऑफिस जाते हो, अगर आपको कुर्ती पसंद है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस कुर्ती आउट. इसका भी बैन नेक है, बहुत ही प्रिटी है. बटन्स लगे हुए हैं सेंटर में और बटन्स जाते हैं टिल डाउन. पूरी कुर्ती पे सेंटर में बटन लगे हुए हैं, बट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही बटन स्टॉप के मिलते हैं. तो आप इसको अपने नेक के अकॉर्डिंग इसको खोल भी सकते हो और इसको बंद भी रख सकते हो, वट एवर यू लाइक. एंड ये ए लाइन कुर्ती है, बहुत ज्यादा अनारकली घेरे वाली नहीं है, बट येस इट इज एन ए लाइन. तो आपको थोड़ा अनारकली कट टाइप फील आता है. तो अगर आपको लंबी कुर्तीज अच्छी लगती है विद ए लाइन टच, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस कुर्ती आउट. दिस इज द प्रिंट पूरी कुर्ती पर जो बना हुआ है, ये ऐसा कुछ प्रिंट है और बहुत ही सूदिंग कलर लगा मुझे ये. बहुत ही प्रिटी कलर है और इसका जो मटेरियल है वो भी काफी अच्छा है. दीज आर द स्लीव्स जिसपे आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है. एंड पूरी कुर्ती के नीचे इतना बड़ा घेरा टाइप है जो कि स्लीव्स जैसे कपड़े का बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रहा था. एंड इसके साथ आप पेयर कर सकते हो व्हाइट लेगिंग्स और व्हाइट प्लाजो, जैसे मैंने व्हाइट प्लाजो पेयर किए हैं. सो नेक्स्ट वन इज अनदर कुर्ती ट्राउजर एंड दुपट्टा का सेट जो कि बहुत ही अच्छा प्रिंट है, वेरी राजस्थानी फील देने वाला. बहुत ही सुंदर इसके ऊपर प्रिंट है, थोड़ा बांधनी एंड राजस्थानी लुक देता है, बट इसके ऊपर प्रिंट है. लाइक इट्स एक्चुअली नॉट द ओरिजिनल बांधनी और राजस्थानी, बट ये एक नॉर्मल सा प्रिंट दिया हुआ है जिसका कलर मुझे बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छा लगा. तो दिस इज द स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स है जिसके एंड पर आपको ऐसा कुछ गोटा पत्ती का थोड़ा सा काम दिया हुआ है. और इसका जो नेक है बहुत ही ब्यूटीफुल है, यू कैन सी इट्स अ यू नेक और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है सिप्पी एंड थ्रेड का. इसका कलर एकदम से ही देख के ऐसा लगता है कुछ राजस्थानी लुक टाइप. ये भी एक ए लाइन और अनारकली कुर्ती है, काफी लॉन्ग. एंड उस सबसे नीचे भी आपको जैसे स्लीव्स पर काम किया हुआ है वैसा आपको पूरे घेरे पर भी मिलेगा, जो कि बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही प्रिटी डिजाइन है. इसका कलर मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा. तो अगर जैसे आजकल मेहंदी पे लोग ग्रीन आउटफिट्स पहनना पसंद करते हैं, तो यू कैन चेक दिस आउटफिट फॉर दैट आल्सो. इसके साथ वी हैव अ नॉर्मल कॉटन का रेड कलर का ट्राउजर एंड उसके ऊपर आपको पॉकेट्स दी हुई है दोनों साइड, जो कि मुझे इसकी बहुत ही अच्छी चीज लगी. यूजली प्लाजोज के साथ या ट्राउजर्स के साथ पॉकेट्स नहीं आती है, बट दिस हैज पॉकेट्स और वो भी काफी अच्छी डीप, काफी अच्छी है, काफी अच्छा सामान कुछ कैरी कर लेगी. तो दिस इज द ट्राउजर जिसके लाइक एक नॉर्मल अच्छी फिटिंग का ट्राउजर है. इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, जस्ट लाइक अ जॉर्जेट काइंड ऑफ मटेरियल, काफी अच्छा, जिसके ऊपर इस तरीके के फ्लावर प्रिंट हुए हैं पूरे दुपट्टे पर. इट्स अ डुअल कलर दुपट्टा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कुर्ती दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. ये कुर्ती प्लाजो एंड दुपट्टा का सेट है, बहुत ही प्यारा हॉट पिंक शेड एंड इसके साथ
दुपट्टा भी बहुत ज्यादा प्यारा है। दिस इज द दुपट्टा और इसके ऊपर ये जो ये प्रिंट है पूरे दुपट्टे पर दिया हुआ है और इसके किनारे पे ऐसा कुछ गोटा पत्ती का काम भी आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एंड इसके ऊपर व्हाइट एंड गोल्डन कलर का पूरे दुपट्टे पर एंड पूरी शर्ट एंड प्लाजो पर भी प्रिंट है। एंड इसका नेक की डिटेलिंग बहुत ही सुंदर है, इस तरीके की आपको डोरी मिल जाएगी। सो दिस इज द डोरिया जो आपको नेक पे एक टाई करने के लिए मिलती है। इसका नेक का डिजाइन भी बहुत ही सुंदर है। इसकी भी स्लीव्स 3/4 है, यू कैन सी। बहुत ही कम्फी मटेरियल, काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। और इसमें एक्चुअल बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे। आई रिमेम्बर येलो, पीच एंड ग्रीन, आई थिंक डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, काफ़ी सारे अलग कलर भी थे। तो अगर आपको इसमें कोई और कलर चाहिए हो तो यू कैन ऑर्डर दैट टू। बट मुझे ये हॉट पिंक शेड काफ़ी अच्छा लग रहा था तो दैट्स वाई आई बॉट दिस। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये है, इसका घेरा भी काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल लुक इस आउटफिट की बहुत ही अच्छी है। अनारकली ए लाइन कुर्ती एंड विद प्लाजो और वो भी प्रिंटेड नीचे से, एंड उसके साथ दुपट्टा भी पूरा प्रिंटेड है और काफ़ी स्टैंडर्ड अच्छे साइज का दुपट्टा दिया हुआ है। और इसमें कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, इफ़ उन्हें चेक आउट तो आप इसके डिफरेंट कलर्स ले सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा आउटफिट है फॉर एनी फंक्शंस। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस अमेज़न कुर्ती हॉल। आई होप आपको कुर्तीज अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ती लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी के, यू कैन चेक देम आउट। एंड आई विल मीट यू विद सम अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।